हेलो, फिर से स्वागत है आपके नरिंग गेमिंग सुपरस्टार में। और लोग चला रहे हैं 1-2-6-2-8 कैसा बैंगलोर न्यू दिल्ली कर्नाटका सुपर फास्ट एक्सप्रेस। तो बैंगलोर स्टेशन पे खड़े हैं, पेंटोग्राफ को ऊपर कर लेते हैं। पेंटोग्राफ ऊपर हो चुका है, हेडलाइट भी ऑन कर लेते हैं, हॉर्न बजा के पा करते हैं। तो हम लोग जर्नी स्टार्ट हो चुकी है और हम लोग ICM में चला रहे हैं, जबकि ये ट्रेन जो है LSB में आ गई है। एस गाइज, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम कन्फ्यूज हो जाएगा कि हम लोग राजधानी चला रहे हैं या फिर कर्नाटक एक्सप्रेस चला रहे हैं, इसलिए मैंने सोचा कि मैं ICM में चलाऊँ। हम लोग पीछे वाले पोर्शन में आ चुके हैं। तो हम लोग आनंदपुर स्टेशन को क्रॉस करेंगे। वैसे गाइस, इसके रियल वर्ल्ड में स्टॉपेज होता है गाइस? मैं इस ट्रेन में जर्नी नहीं किया है, आप लोगों ने जर्नी किया है बताना कमेंट में। सामने रेड सिग्नल है, हमको रुकना पड़ेगा। हाँ, चलते हैं कैब में। आ गए हम लोग कैब में। यहाँ पे मिनसन रखा है, जहाँ मैं आपको पिछले वाले वीडियोस में दिखाया था। चलते हैं बाहर। और सामने 16 पुलिस स्टेशन आ रहा है, इसको भी हम लोग क्रॉस करेंगे। तो कैसा लगा 16 पुलिस कैसे कमेंट जरूर बताएगा। तो अभी हम लोग का नेक्स्ट स्टॉप पुणे है। रियल वर्ल्ड में इसका स्टॉपेज पुणे में ही होता है गाइस। और हम लोग पुणे अगला स्टॉपेज बस आने वाला है। अच्छा, सामने कोई ट्रिप गुड्स ट्रेन है, मुझे ऐसे कैबूस दिख रहा है। वो पुणे स्टेशन में अराइव करे, इसका कोई इलेक्ट्रिक लोगो लगा हुआ है, इसका वैप पाइप लगा हुआ है। नहीं मुझे ऐसा, हाँ वैप पाइप लगा हुआ है। हम लोग रुक चुके हैं। अच्छा, ये ट्रेन डिपार्क कर रही है, हम लोग को भी डिपार्क करना है, लेकिन हम लोग बहुत जल्दी पहुंच गए। अच्छा, इसका P5 लोको बटन लगा हुआ है। अरे यार, हम लोग को ब्रेक्स लगा दिया है, हम लोगों ने ब्रेक्स रिलीज ही नहीं किया। जैसे तो हेडलाइट्स भी चालू नहीं किया। नहीं तो हम तो हमको हरा कर ही रहेगी इसने। बस वो तो डे टाइम वाले लाइट्स होते हैं ना, DRL जिसको कहते हैं, वो चालू किया है।
हमें उस कुछ ट्रेन को हराना पड़ेगा क्योंकि क्लाइमेट वाली कुछ ट्रेन थी। अब कोई फायदा नहीं है गाइस क्योंकि अब तो वो बहुत आगे निकल गई है। अच्छा अभी भी वहीं पर ही है, लगता है ट्रैक चेंज करने के लिए वो वापस थोड़ा सा स्लो डाउन किया है। तो अभी हम लोग स्पीड ट्रेन को ओवरटेक कर रहे हैं, हमको स्पीड कम करना पड़ेगा क्योंकि सामने 50 का स्पीड पर आ रहा है, मुंबई सेंट्रल भी आ रहा है। हमारा पहला अराइवल हो रहा है वो फ्लैबे वाली कुछ से और कर्नाटक एक्सप्रेस। तो जी रुक जाते हैं, जी मैं रुक चुका है, जी सब लोग डिपार्ट करते हैं। तो वैसे वापस आ चुके हैं, जैसे लोग कृपा करते हैं। यहाँ पे डबल टिकट खड़ी है जो कि EMD के साथ में खड़ी है, ये मुंबई अहमदाबाद डबल टिकट एक्सप्रेस है। तो हमारा पहला रन हो रहा है वो मुंबई अहमदाबाद डबल टिकट एक्सप्रेस और कर्नाटक का सुपर फास्ट एक्सप्रेस। दूसरी का ट्रैक चेंज हो रहा है इसलिए वो अपना स्पीड इंक्रीज नहीं कर पा रही। और अभी हम लोग इस डबल टिकट को ओवरटेक करने वाले हैं। अच्छा उसका ट्रैक चेंज हो रहा है, बोरी वाली को स्किप कर रहे हैं। सामने वलसाड है जिसको कि हम लोग क्रॉस करने वाले हैं, इसलिए हम लोग स्पीड ज़्यादा नहीं करेंगे। जैसा WW4 लगा हुआ है, हम लोग स्पीड कम करेंगे क्योंकि सामने हमारा ट्रैक चेंज होने वाला है। तो ये ट्रेन हमको ओवरटेक कर रही है, तो ट्रेन रुकेगी, हम लोग स्टेशन को स्किप करेंगे। अच्छा उसको सिग्नल मिल चुका है, नहीं उसको सिग्नल तो नहीं मिला सिग्नल। अच्छा अब जाके सिग्नल मिला, उसको सिग्नल ग्रीन मिला है। हम लोग को स्पीड कम करना पड़ेगा, सामने हमारा ट्रैक चेंज हो रहा है, यहाँ पे हमारा ट्रैक चेंज होगा। 40 का स्पीड मेंटेन करते हैं ताकि हम लोग उस ट्रेन को आगे ना जाने दें, वो डबल टिकट एक्सप्रेस को। अच्छा वो आ रही है, इसको देखो यार WW4। लेकिन यार मुझे ब्रेक साउंड सुनी दे रहा है इसके में।
तो हम लोग सूरज स्टेशन को क्रॉस करेंगे और डबल डेकर को गेयर सिग्नल मिला है हमको, पूरा ग्रीन सिग्नल मिला है। मैं हॉर्न बजाना ही भूल गया, स्टेशन से क्रॉस कर रहे मैंने हॉर्न ही नहीं बजाया। तो ये कर्नाटका एक्सप्रेस की बहुत ही लंबी जर्नी होगी, देखते हैं हम लोग न्यू दिल्ली तक कर पाते हैं या नहीं। अभी भारत स्टेशन को क्रॉस करेंगे। यहाँ पर येलो सिग्नल है, तो हमारा वडोदरा स्टेशन आ रहा है। वेट से जाना पड़ेगा हमको कहीं सुखी, सामने वडोदरा स्टेशन आ रहा है। यहाँ पे रेड सिग्नल है, हमको येलो सिग्नल मिला है। ये आ गए हम लोग ऐसे ब्लू के इंटीरियर में, जो कि मैंने आपको पिछले वीडियोस में भी दिखाया था। वो ट्रेन हमारा एंटर कर चुका है। तुम लोग चुके जल्दी से हम लोग कृपा करते हैं।
वैसे वहाँ पे आ चुके हैं, यहाँ पे कोई वंदे भारत एक्सप्रेस खड़ी है, वैसे भी बहुत टाइम है डिपार्चर करने में। ये देखिए ये है वंदे भारत एक्सप्रेस, देखा गाइस ये वंदे भारत एक्सप्रेस की जगह ये गुड्स ट्रेन का अनाउंसमेंट हो रहा है। वैसे ये जो ट्रेन का अनाउंसमेंट हो रहा है 10201, इस ट्रेन का नाम है भुवनेश्वर तिरुवरुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस। वैसे अभी बहुत टाइम है डिपार्चर के लिए, 68 मिनट्स दिखा रहा है। जैसे ही टाइम हो जाएगा ना डिपार्चर के लिए मैं वापस आ जाता हूँ। तो गाइस अभी बता रहा है लीव दरोदर 7 मिनट्स, मतलब अभी डिपार्चर का टाइम हो जाएगा, जी हॉर्न बजा देते हैं। तो सामने बड़ा ट्रैक सीन हो रहा है इसलिए हम लोग स्पीड को कम रखे हैं। तो हम लोग इस वंदे भारत एक्सप्रेस को ओवरटेक कर रहे हैं। यहाँ पे हमारा ट्रैक चेंज होगा, अगर आपको रियल वर्ल्ड में पता ही होगा कि ये जो जितने भी एक्सप्रेस ट्रेन है वो सब 130 तक जा सकती है ललितपुर और तुंगलाकाबाद के बीच में, वाला हम लोग जो है रतलाम और पलवल के बीच में हम लोग 130 तक चलाएंगे कर्नाटक एक्सप्रेस को। उस ट्रेन को सिग्नल ग्रीन मिल चुका है, रुकना पड़ेगा सामने रेड सिग्नल है। अच्छा यार हमको फालतू में रेड सिग्नल मिल गया, जब सामने कोई ट्रेन ही नहीं है तो फालतू में ही रुकना पड़ा। तो हम लोग गोत्रा जंक्शन को स्किप कर चुके हैं।
हम लोग अंदर ट्रेन तक पहुंच चुके हैं। बाप रे, रतलाम पहुंचने में तो हमने बस बहुत कम टाइम है गाइस। तो अच्छा हुआ हमको ग्रीन सिग्नल मिल गया था, उस स्टेशन का क्रॉस कर रहे हैं। तो जाओ, कौन लोग सिर्फ कर चुके हैं और हमारा रतलाम स्टेशन बस आने वाला है। तो हम लोग 50 तक आ चुके हैं। प्लेटफॉर्म 2 पे हम लोग अराइव कर रहे हैं और वो जो ट्रेन है वो प्लेटफॉर्म 1 पे अराइव करेगी। हम लोग रुक जाते हैं यहीं पर ही। हम लोग चुके हैं जैसे हम लोग रिपा करते हैं, वैसे वापस आ चुके हैं। यहाँ पे वैब 7 के सामने कोई ट्रेन खड़ी है। क्या बात है भाई, हमारे हेडलाइट्स क्यों ऑफ हो गए? ये महामना एक्सप्रेस है। यहाँ पे ब्लैक मैजिक आप लोग देख लीजिए, मतलब काला जादू। यहाँ पे येलो सिग्नल है, लेकिन ये वेब 7 के साथ महामना एक्सप्रेस इस ट्रेन को ब्लॉक कर रही है, ट्रैक्स को मतलब। तो हमारा नेक्स्ट स्टॉप कोटा जंक्शन है। तो हमारा पहला रन हो रहा है वो महामना एक्सप्रेस और कर्नाटका एक्सप्रेस। हम लोग इसको ओवरटेक कर रहे हैं। वैसे महामना एक्सप्रेस भी प्रीमियम ट्रेन है। महामना एक्सप्रेस को ऐसे ट्रेन से ज़्यादा प्रायोरिटी मिलती है, लेकिन हम लोग जीत रहे हैं इस रेस को। वैसे महामना एक्सप्रेस में योजी का साउंड आ रहा है। दूसरे का टैक्सी तो रहा है। तो अभी हम लोग इस महामना एक्सप्रेस को ओवरटेक कर चुके हैं। स्पीड को हम लोग कंट्रोल कर लेते हैं क्योंकि सामने हमारा कोटा जंक्शन आ रहा है। हम लोग रुक चुके हैं और महामना एक्सप्रेस भी आ चुकी है। अरे बाप रे, ये तो डिबार्क करना ही स्टार्ट कर दिया।
यार एक सेकंड भी नहीं रुके कि इसका डिपार्चर स्टार्ट हो गया। भाई इसका वेब 7 लगा हुआ है तो ये तो बहुत जल्दी स्पीड पकड़ लेगा। हमारा वेब 4 लगा हुआ है तो थोड़ा सा तो टाइम लगेगा। वैसे महामना एक्सप्रेस का प्रीमियम ट्रेन है गाइस, लेकिन राजधानी उससे भी ज़्यादा प्रीमियम ट्रेन है गाइस। आप लोगों ने महामना में जर्नी किया है? मैंने तो नहीं किया गाइस, क्योंकि बहुत ही लग्जरी ट्रेन है, सेकंड लग्जरी ट्रेन है गाइस शायद से। इसका फर्स्ट एसी कम टू टायर है। तो ये ट्रेन हमको ओवरटेक कर चुकी है। तो हम लोग 130 तक चलते हैं। अरे ये क्या, अभी हम लोग इसको ओवरटेक कर रहे हैं। तो अभी हम लोग इस ट्रेन को ओवरटेक कर चुके हैं। समय माधोपुर स्टेशन को स्किप कर रहे हैं। वैसे वीडियो ये बहुत ज्यादा लंबा हो गया है, क्या लगता है आपको कितने मिनट्स का हो गया है? वन थर्टी सेवन के स्पीड में जा रहे हैं, जबकि ट्रेन का एमपीएस 130 होता है ललितपुर तुगलकाबाद के बीच में। वैसे हम लोग रतलाम से पलवल के बीच में हम लोग 130 तक चलाएंगे। सामने हमारा मथुरा स्टेशन आ रहा है। महामना एक्सप्रेस तो प्रीमियम ट्रेन है, हम लोग उसको ओवरटेक कर रहे हैं। ये तो इसे नाइंसाफी हो जाएगी, मतलब ये आपका वो हो सकता है पता नहीं क्या। फिलहाल मथुरा जंक्शन आ रहा है, स्पीड रिड्यूस करते हैं। तुम लोग सुखे जल्दी से हम लोग रिपेयर करते हैं। एक मिनट गाइस, ये P5 के साथ में कोई जनशताब्दी एक्सप्रेस है? अरे पलवल, हम लोग को पलवल में रुकना नहीं है, हमको स्किप करना है स्टेशन को। कह रहे हमको पलवल स्टेशन से स्किप करना है, हमको उस पर रुकना नहीं है। जब P5 के साथ जन शताब्दी है जो कि आगरा के साइड जा रही है, अच्छा ये ट्रैक चेंज कर रही है। ये कोई जन शताब्दी है, ये शायद से ऊना हिमाचल जन शताब्दी होगी शायद। वैसे हमको पलवल पे रुकना नहीं, हमको स्किप करना है स्टेशन को।
पता नहीं कोई ऐसा एक्टिविटी बन गया जिसमें हमें पलवल में भी रुकना पड़ेगा, लेकिन हम लोग एक सेकंड नहीं रुकेंगे, हम लोग डिपार्क करेंगे। वैसे गाइस ये वीडियो जो है बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है, वैसे गाइस रियल वर्ल्ड के अगर मैं बात करूँ कर्नाटक गाइस तो इसका स्टॉपेज पलवल में नहीं होता है, अगर मैं रियल वर्ल्ड की बात करूँ तो। दोनों लोग डिपार्क कर रहे हैं। वैसे ये कैसे काला रंग हुआ है इसमें, दूसरे साइड में सिग्नल ग्रीन दिखा रहा है, हमारा साइड पे सिग्नल रेड दिखा रहा है। वैसे यहाँ साइड में दिखा रहे ग्रीन सिग्नल है 10 meters, मतलब हम इसके इसको फॉलो करेंगे। बस हमने हजरत निजामुद्दीन हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, उसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक न्यू दिल्ली है। क्योंकि पलवल जतलामा पलवल के बीच 130 वाला एक्शन हो गया है, या तो हम लोग ऐसे में भी चल सकते हैं 130 KMPH। तो हमारा नेक्स्ट स्टॉपेज हजरत निजामुद्दीन है, तो हम लोग अराइव कर रहे हैं हजरत निजामुद्दीन पे। हम लोग डूब चुके हैं, हम ना बहुत कुछ देर यहाँ पे रुकेंगे। तो हमको मनावर 13 minutes दिया गया है न्यू दिल्ली तक पहुंचने में, इसलिए हम लोग आराम से पार्क करेंगे।
अच्छा तुमने जावा लिंक के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे हमने गाइड किए थे। अच्छा जैसे हमारा पूरा ट्रेन स्टेशन से निकल जाएगा ना, हमको कंट्री से ज़्यादा नहीं जाना है। हम लोग एक्सेलरेट कर रहे हैं, यहाँ पे सनराइज हो रहा है। यहाँ पे आप लोग देख रहे थे, यहाँ पे इंडिया गेट है, जैसे मैंने आपको पिछले वीडियोस में दिखाया था। यहाँ पे देखे सनराइज हो रहा है। हमने स्लो रन कर चुके हैं। यहाँ पे देख लीजिए सनराइज हो रहा है। यार यार ये सारे बिल्डिंग्स आ रहे हैं ना, इसके चक्कर में सनराइज सही से देख नहीं पा रहा। हाँ अब जाके देख रहा है। यहाँ से आप लोग देख लीजिए सनराइज व्यू। हेडलाइट्स को अभी भी ऑन कर लेते हैं, क्योंकि अभी भी जो है ऐसा डॉन टाइप का कुछ है। हम लोग 6:30 तक पहुंचना था, लेकिन हम यहाँ पे भी हम लोग ऑन टाइम पहुंच चुके हैं। तो हम लोग मॉर्निंग पे पहुंच चुके हैं। वैसे गाइस देखो, हाँ अब जाके दिख रहा है वो सनराइज। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर से बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। तो मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।